हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुड लक ऐप होता है, या फिर बोल सकते हैं गुड लक का जो ऐप होता है, जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी को। उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है वन हैंड ऑपरेशन ऐप। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, उस नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। उस अपडेट के बाद क्या क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको वन हैंड ऑपरेशन ऐप के अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहां थ्री डॉट्स में जाना है और यहां अपडेट्स में चले जाना है। अपडेट्स में जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे आपको एक नया अपडेट अवेलेबल मिल रहा होगा वन हैंड ऑपरेशन प्लस ऐप में। यहां पर आएंगे आप नीचे की तरफ। ये अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 14 सितंबर की, मतलब कि आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 5.6.25.0 और जो कि 4 MB का अपडेट है। यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या क्या नए चेंजेस किए गए। इस अपडेट में इम्प्रूव फ्लोटिंग नेविगेशन बटन्स को इम्प्रूव किया गया है। अप्लाई थीम कलर ऑन क्यूक टूल्स, क्यूक टूल्स के अंदर आपको अप्लाई थीम का एक नया ऑप्शन मिलने वाला है। और साथ में फिक्स डुप्लीकेट वाइब्रेशन इश्यूज, अदर स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पर की गई है। वाइब्रेशन इश्यूज मतलब कि जब भी आप, अगर आपने देखा होगा वहां पर, तो पहले तो इसको अपडेट कर लेते हैं, तो इसको अपडेट होने देते हैं। अपडेट होने के बाद देखते हैं कि क्या क्या नए फीचर एड ऑन किए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहां पर जो सबसे पहला फीचर दिया गया है, या बोल सकते हैं सबसे पहला चेंजेस दिया गया, ये है इम्प्रूव फ्लोटिंग नेविगेशन बटन फीचर। तो ये इम्प्रूव हो गया है फ्लोटिंग नेविगेशन बटन। ये कैसे काम कर सकते, जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहां पर इसको सेट कर रखा है, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप यह देख सकते जैसे की लगा सकते हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे बैक की, होम की और ये रिसेंट की, आप डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकते हैं इम्प्रूव नेविगेशन फीचर्स के साथ। मतलब कि ये जो फ्लोटिंग नेविगेशन बटन है, आप इसका डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर उसको रोक लेंगे तो रुक भी जाएगा और आप इजीली बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया, कुछ जो भी कुछ बग्स होंगे इसके अंदर उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। तो ये फीचर यहाँ पर सबसे पहला जो चेंजेस है वो ये है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड जो अपडेट दिया गया है, बोल सकते हैं सेकंड जो फीचर दिया गया है वो ये है, अप्लाई थीम कलर ऑन क्यूक टूल्स। मतलब कि अगर आप कोई थीम का लगाते थे, या बोल सकते हैं अगर कोई आप लाइक में से, मान लो आपने, मैंने यहाँ पर आके गैलरी में आके वॉलपेपर को मैंने यहाँ पर चेंज करा, तो मैंने यहाँ पर सपोज मैंने ये वॉलपेपर यहाँ पर चेंज करा, तो आप देखेंगे मैंने ये वॉलपेपर को यहाँ पर चेंज करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है अप्लाई ऐप आइकन्स, आपको दिख रहा होगा कलर्स वाला। तो यहाँ पर आप जब भी इसको अप्लाई करते थे वो क्या होता था, क्यूक टूल्स का जो मेन्यू था वहां पर नहीं दिखता था। बट अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको भी अप्लाई करेंगे तो वो आपके क्यूक टूल वाले मेन्यू पे भी काम करने वाला। आप देख सकते हैं इसका भी कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो सेकंड जो फीचर है वो यही है कि जो भी अगर आप वहां पर थीम अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको क्यूक टूल्स पे भी मिलने वाला। वो लिखा भी है अप्लाई थीम ऑन क्यूक टूल्स, मतलब क्यूक टूल्स के अंदर भी आप थीम को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, फिक्स डुप्लीकेट वाइब्रेशन। डुप्लीकेट वाइब्रेशन मतलब कि अगर आपने वाइब्रेशन ऑन करके रखा है तो जब भी अगर आप कोई बैक करते हो या फिर जब भी आप इस गेजर का यूज करते थे तो वो वहां पर वाइब्रेट होता था और कभी कभार अननेसेसरी वाइब्रेट होता था, ये डबल डबल वाइब्रेट होता था, उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। साथ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर करे जाते हैं, या बोल सकते हैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ओवरऑल इस अपडेट में कोई नया फीचर तो एड ऑन नहीं किया गया, बस बक्सेस को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। दो जो ऐसे फीचर्स हैं जिसमें कुछ बक्सेस होंगे उन्होंने इम्प्रूव कर दिया गया है और यहां पर एक वाइब्रेशन को भी इंप्रूव कर दिया गया है। फ्लोटिंग मशीन आपको नहीं पता कैसे लगाना है, कैसे यूज करते हैं फ्लोटिंग नेविगेशन, तो आपको किसी भी उस पर चले आना, लाइक मैंने यहां पर लगा के रखा, यहां जाइएगा तो फ्लोटिंग नेविगेशन आपको बटन मिल जाएगा। इसमें कुछ सेटिंग भी करनी हो तो सेटिंग में आपको मिल जाएगी, कौन सी की कैसी चाहिए आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों।